हाय गाइस, तो क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी के हाल चाल अच्छे होंगे। और आज हमारे पास एक ऐसी स्कूटी है जिसका जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यूथ के बीच में। लेकिन आज हम उस गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे नहीं, बल्कि उस गाड़ी के हम सीधे आपको ओनर से मिलवाएंगे और आपको बताने वाले कि उस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि ये रिसेंटली में गाड़ी ली गई है। तो गाड़ी हमारे सामने देख सकते हो, यहाँ पे खड़ी है TVS Ntorq 125 और देख सकते हो ये यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा जो है ये फेमस है। तो आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हो स्वप्निल श्रीवास्तव व्लॉग्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, ये जो बाइक आप देख रहे हो, ये स्कूटी देख रहे हो, ये जो हमारे भाई की है आदित भाई, क्या हाल चाल भाई, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे। और भाई ने अभी रिसेंटली में गाड़ी ली थी, कब भाई ये गाड़ी लिए थे आप? भाई मैंने अप्रैल में ली थी, अराउंड 19-20 अप्रैल के आसपास। 19-20 अप्रैल के पास। अच्छा, ये गाड़ी लेने का क्या मतलब प्लान क्या था? जिस प्राइस में तुमने लिया, इस प्राइस में बाइक्स तो आ ही जाती है, 125 125 आती है, रेडर आती है, एक्सट्रीम 125 आर भी आ गई थी। सो भाई मेरे पास ऑलरेडी अपाचे 164 भी है, उसका मैं 3 साल से ओनर हूँ। और एक्चुअली हम दो भाई हैं, तो कभी जैसे वो लेके चला गया तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो बस इसलिए मतलब इसको ले लिया था ऐसे ही कि मतलब दोनों लोग के पास एक एक हो जाएगी। और कुछ ऐसा खास प्लान नहीं था, बस ले लिया था, बस मतलब गए और पसंद आ गई ले गए। अच्छा, तो स्कूटी में तुमने, यार स्कूटी में तो मतलब अगर लेना ही था स्कूटी के पर्पज से तो दूसरी भी तो स्कूटी थी। नहीं मतलब वही है कि अब जैसे अपाचे का मुझे एक्सपीरियंस है तो मुझे थोड़ा पावर ज़्यादा पसंद है, तो एक्टिवा पे इसलिए नहीं गया मैं। बाकी एक्टिवा भी है घर पर और अपाचे की पावर की आदत है, और जितना घर का छोटा मोटा काम होता है एक्टिवा से हो जाता है, इसलिए Ntorq ले ली थी। Ntorq ले रही थी तो इसमें अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो यही पूछूंगा कि इसके कुछ अच्छाइयाँ बता दो और कुछ बुराइयाँ बता दो, क्योंकि देखो यार अच्छाइयाँ तो लगभग सब बता देते हैं, बुराइयाँ नहीं बताता अपनी गाड़ी की कोई। तो तुम्हारे साथ क्या ऐसा हो रहा है कि अभी तो तुमको इसमें क्या निगेटिव पॉइंट्स लगे? देखो सबसे अच्छाई अगर बताऊँ तो पावर अच्छा है इसका, और उसके अलावा मतलब आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, ब्रेकिंग सब कुछ अच्छी मिलेगी। यूजुअली ये होता है कि आपको गाड़ी में पावर मिल गई, गाड़ी आपकी भाग रही बट ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, बट इसमें वो प्रॉब्लम नहीं, इसमें ब्रेकिंग भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे? भाई देखो इसका नेगेटिव मतलब मुझे जो लगा है वही इसका माइलेज लगा है, बाकी और हाँ दो नेगेटिव मुझे मिले हैं। एक इसका माइलेज जो कि मुझे कम मिलता है, और मतलब यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है, जैसे मैं थोड़ा तेज़ चलता हूँ या फास्ट ब्रेकिंग करता हूँ। बाकी एक इसका मतलब माइलेज, दूसरा ये कि जैसे आप जब ब्रेकिंग करोगे तो इसकी जो पिछली ब्रेक है बहुत जल्दी ढीली हो जाती है। अच्छा, पिछला डिस्क है? पिछला डिस्क नहीं है, अगला डिस्क है केवल। अच्छा, पिछले तो ड्रम ब्रेक है। हाँ पिछला ड्रम है, वो काफ़ी जल्दी ढीली हो जाती है। और जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि मतलब ये गाड़ी अच्छी है इसलिए मैंने ली थी। दूसरा इसमें जैसे कि बॉडी जो है फाइबर की बॉडी है, तो फाइबर के जो लॉक्स होते हैं जैसे गड्ढे वड्ढे में जाएगी तो फाइबर के लॉक्स टूट जाते हैं। इवन इसमें एक जो लॉक है यहाँ का वो टूट भी गया है। ये यहाँ का हैंडल लॉक था क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब जो फाइबर की बॉडी अच्छा, है उसका फाइबर लॉक। के जो जॉइंट्स पॉइंट हाँ हाँ वो लॉक है, वो टूट गया है। तो बस उसमें यही मतलब नेगेटिव तो इसके यही है मुझे जो लगे हैं। हाँ एक नेगेटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो बूट स्पेस है, हाँ। डिग्गी जिसे कहते हैं, वो काफ़ी छोटा है। जैसे मेरा इवन ये एक मीडियम हेलमेट है, इसको रखता हूँ तो मतलब डिग्गी बंद करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हाँ। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसको मतलब थोड़ा पुश करके ज़्यादा बंद करना? हाँ पुश करके बंद करना पड़ता है। और अच्छाइयाँ? अच्छाइयाँ भाई देखो इसमें बहुत हैं, बढ़िया पावर मिलेगा, बढ़िया माइलेज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज़ करो और कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके लुक्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? लुक्स भाई अब सबको स्पोर्टी लगती है और क्या ही चाहिए। हाँ ये तो बात है। बाकी तुमने सर्विस करवाई इसकी? सबसे पहले तो ये बता दो कि इसका ऑन रोड प्राइस कितने का पड़ा था? भाई मुझे अराउंड पड़ी थी 1,16,000 से 18,000 के आसपास पड़ी थी, मुझे एग्जैक्टली फिगर्स याद नहीं बट ऐसे ही कुछ था। अच्छा, कहाँ से लिया था भाई ये? मैंने ली थी लखनऊ में आदित्य TVS ट्रांसपोर्ट नगर के पास। लखनऊ से ही लिया? हाँ लखनऊ से। रहने वाले भी लखनऊ के ही हो? तो अच्छा ये बताओ, जैसे तुम माइलेज कह रहे हो कि कम मिलता है, कितना मिलता है तुम्हें? आप देखो स्पीड पे चलते हो कितना मिलता है? भाई देखो मतलब मुझे, मैं एयरपोर्ट के पास से डेली BVD आता हूँ, तो मैं आराम से 70, अभी हम लोग BVD में ही हैं, BVD के अंदर ही जो है वीडियो भी, आराम से मैं 75-80 मुझे चलना ही पड़ता है क्योंकि शहीद पथ से आता हूँ, तो मान के चलो कि मुझे मेरे ख्याल से शायद 30-35 ऐसे मिलता होगा। अच्छा, शायद 35-35। हाँ, और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी कि मतलब, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था उसने मुझसे, मैंने लेने से एक दिन उससे पहले उससे पूछा था, उसने मुझसे ये कहा था भाई मैं इसको कैसे भी चलाता हूँ 40 के नीचे नहीं जाता है। अच्छा, तो मैंने बस ये एक्सपेक्ट किया कि मतलब एटलीस्ट मुझे 40 दे, क्योंकि जैसे मैं अपाचे से जब आता था कॉलेज तो मुझे उसमें आराम से मतलब उसको मैं 100 भी चलाता हूँ तो भी मुझे 40 मिल जाता है उसमें आराम से। अच्छा, और इसको लंबा कितना खींचो? इसको भाई मैं शायद 95 तक लेके, क्योंकि ज़्यादा मैंने भगाया नहीं अभी इसको अभी तक। इसमें थोड़ा डर भी लगता है, टायर छोटे हैं। हाँ थोड़ा सा लगता है। बाकी इसके टायर की जो स्टेबिलिटी है, हाँ गाड़ी की, हाँ उसके बारे में क्या कहोगे? भाई मतलब एज सच मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई है, बाकी हाँ कीचड़ वीचड़ पे जाओगे तो अगला स्लिप नहीं करता है, पिछला क्योंकि पिकअप ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा लगेगा आपको, बाकी मतलब यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है। गाड़ी में कोई मोड्स भी मिलते हैं? मोड्स एज सच मुझे कोई पावर उसमें मिलते हैं, एक स्ट्रीट मोड, एक स्पोर्ट मोड,
बट मुझे आज तक उसमें कोई मतलब अंतर देखा नहीं। अच्छा, और ओवरऑल इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो लुक्स तो मान लो कि बढ़िया लुक्स तो है ही, ठीक है, कॉलेज में पढ़ रहे हो, बाकियों का इंप्रेशन कैसा आता है? बिल्कुल, मतलब देखो गाड़ी लुक्स वगैरह में तो बहुत अच्छी है, प्लस एक होता है कि मतलब अगला आदमी देख के पूछ रहा है भाई गाड़ी कैसी है, अच्छी चलती है क्या है, मुझे भी चलाने को दे, वो सब चीज़ें हैं, मतलब दोस्त लोग देख के फैसिनेट होते हैं, चीज़ें बढ़िया हैं गाड़ी के साथ, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी 3-4 महीने का काफ़ी अच्छा रहा है। सर्विस कराई? हाँ सर्विस मैंने 2 कराई हैं। 2 सर्विस कराई हैं, उसकी क्या क्या कॉस्ट आई और लगभग सर्विस में क्या क्या चेंजेस करें? अब जैसे मेरी जो पहली सर्विस थी तो उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था उसने, शायद मतलब उसमें पहले में तो शायद उसने ड्रम ब्रेक जो पिछला है वो भी नहीं खोला था, और ऐसा कुछ होता नहीं उसमें, बस ऑयल चेंज करता है, एक एडिटिव डालते हैं, और जो गियर ऑयल होता है वो शायद सेकंड सर्विस में चेंज हुआ था, सेकंड सर्विस में ऑयल भी चेंज हुआ था। अभी रिसेंटली में कौन सी सर्विस कराई? अभी सेकंड सर्विस कराई मैंने। उसकी कितनी कॉस्ट पड़ी थी? उसकी मुझे 600 के आसपास पड़ी थी। 600 के आसपास पड़ी थी। तो ये सब चीज़ें जो है कंपनी का ओवरऑल क्या कहना चाहोगे? जैसे सर्विस का तुमने कराया 600 रुपये तुमसे, इसने सर्विस ने कंपनी ने कॉस्ट लिया तुमसे, सो उनकी सर्विस तुमको कितने, मतलब अगर तुम रेट करना चाहोगे कि उनकी सर्विस कैसी है? सर्विस अब जैसे कि मैंने जैसे बिल में देखा था उसमें एक लोग डालते हैं एडिटिव नहीं, वो गियर ऑयल डालते हैं, गियर ऑयल जो कि एक्चुअली होता है वो इंजन ऑयल ही होता है, बस वो अपने उसमें अपने इक्विपमेंट से डालते हैं उसका, वो लोग आराम से शायद 50 से 60 रुपये चार्ज कर देते हैं, विच इज़ एक्चुअली इंजन ऑयल ही होता है, वो बस अपने इक्विपमेंट से डालते हैं। तो वही है कि मतलब कंपनी पैसे बनाने के तरीके निकाल रखी है और बाकी सब चीज़ें ठीक है। मम्मी मम्मी जब इसमें बैठती हैं गाड़ी? मम्मी नहीं बैठती हैं, यूजुअली मेरी मम्मी जो है वो एक्टिवा चला लेती हैं। अच्छा, बट जब मैं ये लेके आया तो मम्मी ने इसको नहीं चलाया, तो कहती है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पिकअप है, हम नहीं चलाएंगे इसको। लेकिन फिर भी मम्मी लोगों के लिए इसका कंफर्ट अगर बताना चाहे, सीट कंफर्ट जिसको है तो कैसा है? अब मम्मी लोगों के लिए ठीक है, मतलब जैसे कि मैं चलाऊँ मम्मी बैठेंगी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक ये दादी मेरी यहाँ पे नहीं रहती, वो गाँव में रहती है, तो दादी तो ऐसी दादी तो नहीं बैठ पाएंगी, नहीं बैठ पाएंगी बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स में गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और, जैसे कि आप इसमें सिलेंडर नहीं ले जा सकते हैं, एक्टिवा में तो एक्टिवा में सिलेंडर ले जा सकते हैं, इसका गैप कम दिया हुआ, काफ़ी कम है, काफ़ी कम है, इसलिए जो है थोड़ा। और मतलब जैसे एक्टिवा में है तो यहाँ पे जो है वो मतलब नॉर्मल प्लास्टिक है, तो उसको अगर आप सिलेंडर रखोगे रगड़ जाएगा उतना ख़राब नहीं लगेगा, बट इसमें आप देख ही रहे हैं ग्लॉस फिनिश में है तो ज़रा सा स्क्रैच लगे ख़राब हो जाएगा। हैंडलिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? हैंडलिंग भाई बहुत अच्छी है गाड़ी की, बहुत अच्छी है हैंडलिंग और पिकअप पिकअप और पावर के मामले में सब तगड़ा है, सब तगड़ा है। तो 125 की गाड़ी, इसमें ABS तो दिए नहीं होंगे? एक्चुअली जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से 125 cc में ABS होना चाहिए, एटलीस्ट सिंगल चैनल होना चाहिए, लेकिन कंपनी वाले इसमें गेम करते हैं, वो क्या करते हैं थोड़ा सा मतलब 124.7 ऐसे कर देते हैं, इसलिए उससे कैटेगरी से बच जाते हैं और वो ABS नहीं देते हैं। और लेकिन जब तुमने ये गाड़ी ली थी तब शायद एक्सट्रीम 125R बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो उस पर नज़र डालते तो तुम बोले सकते तो उसमें तुमको ABS भी मिल जाता और वो थोड़ी देखने में भी और अच्छी आई कैचिंग लगती भाई। मतलब मैं अपाचे की मुझे मतलब हैबिट थी, घर पे एक बाइक थी तो मन था कि चलो स्कूटी लेते हैं। इसके लाइट्स के बारे में क्या कहोगे, मतलब जो इसकी हेडलाइट है, क्योंकि जो DRLs हैं वो तो काफ़ी अच्छे लुक लगते हैं टीथ से। लाइट्स देखो, लाइट्स का थ्रो मतलब डिसेंट है, मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आपको जैसे कि आप रात में चल रहे किसी को आपको पास के लिए लाइट देनी है तो आई डोंट थिंक पास के लिए उतनी अच्छी लाइट नहीं है इसकी, वो मजा नहीं है, वो मजा नहीं है जैसे बाइक्स में लाइट हाँ, दे देते जो तुरंत लगे, जैसे अपाचे का जैसे मैंने बताया उसमें भी LED है, तो उसको जो मैं पास देता हूँ दूसरे, इवन मैं क्रेटा वालों को पास देता हूँ, जो सबको पास देते हैं मैं उनको पास देता हूँ अपाचे से, तो उसमें मुझे अच्छा खासा थ्रो मिलता है, लेकिन इसमें वो पास नहीं, क्योंकि इसका जो मतलब एंगल है एंगल ही काफ़ी नीचा है तो उनके शीशे तक पहुँच ही नहीं पाती है। और इसमें कोई सीटिंग तो है नहीं कि हम लोग इसको एंगल ऊपर नीचे कर सकें इसलिए। और इसके जो तुम ये देख रहे हो मिरर्स देख रहे हो, सो बहुत लोग क्या करते हैं स्कूटी में ये हटा के एंड बार मिरर्स लगा लेते हैं जो उल्टे, सो इसके मिरर्स की क्वालिटी कैसे कर रहे हो? डिसेंट सी है कि मतलब TVS की एक ये चीज़ अच्छी है कि उनके जो मिरर होते हैं ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में यही सेम यूज़ करते हैं और मुझे इनसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अपाचे भी यही अच्छे हैं, ये भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी अच्छे इनकी विजिबिलिटी है और कोई दिक्कत नहीं है सच। अच्छा, सो ओवरऑल अगर बात करें तो ये तुमको 16 से 18 के बीच में पड़ी थी गाड़ी की परफॉर्मेंस, तुम्हें सब तरह से सब अच्छी है, बस वही मुझे एक माइलेज की प्रॉब्लम है, वो भी कुछ टाइम में मैं उसका भी यूज टू हो जाऊँ। तो बिल्ड क्वालिटी भी एक हिसाब से देखे तो तुम्हें कहीं ना कहीं लगी? हाँ थोड़ी सी लगी, क्योंकि जैसे अभी कितना 2-3 महीने में और एक लॉक यहाँ का जो है वो टूट गया है। अच्छा, और ये बताओ ये जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट लिखा हुआ है इसका कितना यूज़ किया है? मैं कुछ नहीं यूज़ करता एक्चुअली, इसको मेरे भाई ने अपने डिवाइस से कनेक्ट किया था, नाम भी जब ऑन करते हो उसी का नाम लिख के आता है, ये लिखा दो। ये हेलो अभिषेक लिख क्या, ये जो है इनके भाई का नाम है भाई, तो ये सब चीज़ें जो है बाकी कनेक्ट आपकी तभी होगी जब ऐप ऐप इंस्टॉल करेंगे आप, इंस्टॉल ऐप से होता है, उसमें शायद मेरे ख्याल से कॉल का नोटिफिकेशन आएगा आपको और उसके अलावा नेविगेशन भी दिखाता है शायद। अच्छा ये बताओ, जब ये गाड़ी लिया था तो कंपनी वालों ने क्या क्या दिया था तुमको? मतलब सिर्फ गाड़ी दी थी कुछ? गाड़ी के साथ में एसेसरीज के उन्होंने पैसे चार्ज किए थे, ये जो स्टील के लगे हैं, हाँ इसका उन्होंने शायद 1000 या 1500 कुछ चार्ज किया था शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है,
उसके अलावा उन्होंने मतलब काफ़ी वो पहले एक बेकार सा हेलमेट दे रहे थे, काफ़ी बोलने के बाद उन्होंने एक हाफ फेस हेलमेट दिया था विच इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल आई गेस। अच्छा ये हेलमेट तो ये वाला तो है नहीं, तुमने अलग से लिया था। अच्छा तो भाई यही था कुछ हम लोगों का भाई ओनर से रिव्यू, और आदित्य भाई हमारे साथ आज जुड़े थे। एक्चुअली हम लोगों का अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ने नई गाड़ी ली है और ओनर से रिव्यू आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा था हमारा एंटॉर्क 125 का वीडियो, और देखो लगभग से लगभग मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। बाकी कोई पॉइंट अगर आपके बचते तो आप कमेंट करिएगा, आदित्य भाई अपने जो है कमेंट के आंसर रिप्लाई कर देंगे कोई भी होगा। सो और कौन सी गाड़ी की वीडियो चाहिए कमेंट में बता सकते हो, और ऐसे रील्स कंटेंट्स के लिए जो है हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो स्वप्निल ऑटो मोटो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद वंदे मातरम।